क्या हुआ फजलू, परेशान लग रहा है? यार मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी बीवी अभी भी मुझसे नाराज है। मैंने सारे तरीके आजमाए हैं, भैंसों को चारा खिलाया, मुर्गियों के अंडे चुराए, लेकिन वो मानती नहीं है। एक आइडिया है मेरे पास। अरे बेनकूफ, फिर आइडिया? अरे लास्ट टाइम ना गलती से हो गया था यार। अच्छा हाँ, बता क्या आइडिया तेरा। ओके सुन, तू जाके किसी और लड़की के साथ अपनी बीवी के सामने फ्लर्ट कर। अब ये क्या था, पागल है? पहली मेरी बीवी मुझसे मानती नहीं है और तू मुझे कह रहा है किसी और लड़की के साथ जाके फ्लर्ट कर। सुन तो ले। हाँ। तू जाके किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट कर। हाँ। तेरी बीवी अपने आप वापस आ जाएगी। तो मेरी दो बीवी हो जाएगी? अरे पागल, ऐसा नहीं होता है। तो फिर? मैंने फिल्मों में देखा हुआ है, अपनी बीवी अपने आप वापस आ जाती है। अच्छा? हाँ। चल फिर चलते हैं। चल। वो कौन चुड़ैल है तुम्हारे साथ? मेरे साथ तो कोई नहीं है। मैंने खुद देखा था तुम्हें उस चुड़ैल के साथ। कहाँ है वो? रुको रुको रुको, ये क्या कर रही हो? मुझे पता था कि जब मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी तुम दूसरी ले आओगे। तो नहीं जाना था ना? क्या? मैं मतलब कि ये तो मेरी कजन है। क्या? हाँ, हम आज ही मिले हैं। मुझे पागल समझा हुआ है? तुम्हारी तो कोई कजन ही नहीं है। ये पैसे दे के बनी है आपको जेलस करने के लिए। क्या? मेरा मतलब है कि हम बचपन में जुदा हो गए थे, आज ही मिले हैं। अम्मी कहती है कभी झूठ ना बोलो, और बोलो तो बैकअप प्लान भी रखो। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब है आप लेट हो गया, आप घर जाएं। मैं नहीं जाने वाली घर से। तो क्या आप वापस आ गई हैं? हाँ, जब तक ये यहाँ पे है मैं भी यहाँ पे हूँ। लेकिन मेरा टाइम तो पूरा हो गया, मुझे जाना होगा। टाइम पूरा हो गया? क्या मतलब? वो इसका मतलब है कि लेट हो गया तो इसको नींद आ रही है। जी ये ठीक कह रहे हैं, मैं अब रुक सकती हूँ। ठीक है, तुम जाकर मेरे कमरे में सो जाओ। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तो नीचे काउच पे सोऊंगा। ठीक है, मैं भी ऊपर जाके फ्रेश हो जाती हूँ। ब्लूपर से शाम रही सिर्फ ही देता, प्रागी भी देती है ब्लूपर। प्रागी, आप अगर इधर आ गई हो तो मैं आपको क्यों ढूंढ रहा हूँ? इधर हर बंदा आया हुआ, इधर पानी आया हुआ। अम्मा भी आ गई है।